100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। हरियाणा के भवानी खेड़ा अनाज मंडी में युवा कल्याण संगठन ने अनाज मंडी में प्रवासी मजदूरों को सैनिटाइजर और मास्क वितरित किया। युवा कल्याण संगठन ने इस मौके पर कोरोना महामारी से बचाव को लेकर मजदूरों और आढ़तियों से सावधानियां बरतने को भी कहा गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने के लिए कहा गया। युवा कल्याण संगठन ने इस मौके पर अनाज मंडी की स्थिति का जायजा लिया और आढ़तियों का हाल जाना। देखिए, हमारा युवा कल्याण संगठन है कि जो लगातार जिस दिन से कोरोना आई है उससे पहले भी जो मजदूर की, किसान की, नौजवान की, व्यापारी की समस्या को उठाता है। आज युवा कल्याण संगठन ने कल भी भिवानी का, जूई का, कैरू का मंडी का दौरा किया। किसान भाइयों से, मजदूर जो प्रवासी मजदूर हमारे उन भाइयों से, उनको क्या नाम मास्क भी दे रहे हैं, सैनिटाइजर भी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं। तो दिन रात एक ही काम है कि जब तक सब लोग, जितने भी संगठन हैं वो सब काम कर रहे हैं, हम भी उसमें अपनी एक भागीदारी निभा रहे हैं। क्योंकि आज मानवता का एक बहुत बड़ा वो है कि जिस प्रकार से पूरे विश्व को कोरोना ने हिला के रख दिया बीमारी ने, उसमें हम जैसे नौजवानों का कर्तव्य बनता है कि वो जितना भी जानकारी है उसको मजदूर को, किसान को, नौजवान को, सबको बताए। हमने भिवानी के अंदर भी जरूरतमंदों के लिए खाना चला रखा है और भिवानी के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, आपने देखा भी होगा कि डॉक्टरों का पीपी किट, N5 मास्क ये हम उपलब्ध करवाए। तो सबका प्रयास ये है कि कोरोना में सब मिलकर इस कोरोना जैसी महामारी को, आज भारत सरकार भी अच्छा काम करी है, हरियाणा सरकार भी अच्छा काम करी है, तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं वो भी बहुत अच्छा काम करे हैं, और जो संगठन है जितने भी उनका तो इतना बढ़िया काम है कि आप ये मान के चलो कि आज पूरे भारतवर्ष में जो सामाजिक संगठन है वो एक नंबर पर काम कर रहे हैं। हमारा युवा कल्याण संगठन भी इसी कड़ी में आगे काम कर रहा है।